बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कोरोना के पेशे नज़र मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं, लिहाजा हमारे स्कूल डायरेक्टर ने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। सबसे पहले आपको हमारे पेज को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोज को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। जी स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 10 फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है। If a plus b whole square minus c square is equal to, so students आप लोगों को पता है कि a square minus b square किसके इक्वल होता है? a plus b, a minus b के। अगर हम लोग a plus b whole square ये सारी वैल्यू a कंसीडर कर लें, minus c whole square ये b square की वैल्यू कंसीडर कर लें, तो इसे हम लोगों ने इस फॉर्मूले के तहत ओपन करना है। जी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? a प्लस बी, फॉर्मूले का प्लस आया। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? c। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास दोबारा पुट करेंगे a प्लस बी, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू हमारे पास क्या थी? c। तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास b है। जी फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू। आप लोगों को पता है कि आपके पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी को होल स्क्वायर को आप यू भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी, तो फिर इसका मतलब हो गया कि ये भी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए वाला है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि इफ ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, उसने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? ए, तो अंदर क्या रह गया? बी प्लस सी। वेयर ए एंड बी प्लस सी आर, उसने कहा है कि ए और बी प्लस सी इसके क्या है? एक्सप्रेशन है, फैक्टर्स है, टर्म्स है, ये नन ऑफ थिंग्स, तो ये इसके क्या है? फैक्टर्स है। फोर्थ एमसीक्यूज में कह रहा है कि 3x² माइनस 75y² इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? 3x² माइनस 75y² इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, बाकी क्या रहेगा? x² माइनस 25y² जी 3। मैं x को इतना लिख सकती हूँ, x होल स्क्वायर 25, तो 5y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जी ये दोबारा से हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आप 3 को वैसे लिखें। जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी देखें ये हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फोर्थ का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट आपके पास कहता है कि फैक्टराइज 128 ए एम स्क्वायर माइनस 242 ए एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? 2a, ठीक हो गया। तो 6 × 12 = 4 × 8 = 64, एम स्क्वायर माइनस 1 × 2 = 2 × 4 = 2 एन स्क्वायर। जी 64 एम स्क्वायर माइनस 121 एन स्क्वायर, 64 को हम लोग 8 m और इनटू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 121 किसका होल स्क्वायर का होता है? 11 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 11 n इनटू होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो हम लोग ने क्या किया, इस वाले हिस्से को एक मतलब प्लस में लिख लिया और एक मरतबा माइनस में लिख लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कहता है कि इसको फैक्टराइज करना है आपने। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी ये आपके पास अगर कंसीडर कर लेते हैं a की वैल्यू है a होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू क्या पुट करेंगे? x प्लस वाई। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7z प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7z होल स्क्वायर।
लेकिन 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 एंड d का स्क्वायर आ जाए। अब हम इस सारी फॉर्म को क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक हो गया। तो a की वैल्यू क्या है, x प्लस y, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू क्या है 7z, ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। तो अब इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू 2 टाइम्स है, तो इसे हम लोग सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, थर्ड आपके पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xd प्लस 4yz स्क्वायर। तो हम इसे पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xd प्लस 4z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसे मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया जी। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर माइनस वाई। अब अगर हम लोग देखें इस सारे हिस्से के ऊपर यही फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इतने पोर्शन को a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे, एक मरतबा इसे a प्लस बी, a की वैल्यू फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को इस सॉल्विंग सेशन की समझ आई होगी। जजाक अल्लाह।